नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनरिता तनेजा, एमडी आयुर्वेदा जनरल मेडिसिन, आरोग्य आयुर्वेदा और पंचकर्मा केंद्र फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हम आयुर्वेदा पंचकर्मा चिकित्सा और आयुर्वेदिक औषधियों से यहाँ मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ पर जनरली हमारे पास स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोरियसिस वगैरह के पेशेंट होते हैं, साथ ही गायनिक डिसऑर्डर्स, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यूटिन एनर्जी के पेशेंट्स का हम बहुत सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी और समस्या है, जो टॉपिक हमने आज के डिस्कशन के लिए लिया है, वह है पेन। दर्द किसी भी तरह का हो, किसी पेशेंट को गर्दन में दर्द, किसी को कमर में, किसी को घुटने में दर्द की समस्या आज की डेट में पाई जाती है, और ये हर वर्ग के मरीज में पाई जाती है। जैसे किसी पेशेंट को कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के कारण हो सकती है, किसी को ओल्ड एज के कारण हो सकती है, और तो और लेबर क्लास में भी आज के डेट में ये चीज़ बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो हमारा जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को देखकर, उसको हम ये काउंसिल करते हैं कि क्या लाइफस्टाइल उसके लिए सही है, क्या गलत है, उसके लिए उसको गाइडअप करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स की जो कंप्लेंट होती है, एक सिटिंग लाइफस्टाइल उनकी होती है, जैसे शॉपकीपर हैं, सुबह से गए और रात तक उनका सिटिंग पोस्चर रहता है, और ये बहुत बड़ा कारण है इस डिसऑर्डर का। कोई एक्टिविटी नहीं होती है, लेट नाइट्स तक जगना होता है, मॉर्निंग में लेट उठना होता है, और उसके अलावा कोई भी मसाजेस नहीं लेना, कोई भी वॉक, एक्सरसाइज, योगा का पैटर्न वो फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा डाइटरी पैटर्न भी बहुत डिस्टर्ब होता है, जंक फूड की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है आज की डेट में, और चिल्ड चीज़ें ज़्यादा खाना, ठंडा ज़्यादा खाना, रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना, घी का कम से कम यूज़ करना है, स्पेशली इन ओल्ड एज। तो ये सभी जो कारण होते हैं, ये वात की वृद्धि करते हैं, और आयुर्वेद में पेन को वात का ही दोष माना गया है, और इसको ठीक करने के लिए हम वात की चिकित्सा करते हैं, जिसमें मेनली पेशेंट को पहले डाइटरी और लाइफस्टाइल गाइडलाइंस देते हैं। उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि ओरल मेडिसिन कितने टाइम लेनी है। उसके साथ हम कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रुक्ष स्वेदन या ड्राई पोटली मसाज पेशेंट को देते हैं, फिर केरला के मेडिकेटेड ऑयल्स हैं जिनकी बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है, उससे पेशेंट को मसाजेस देते हैं, हर्बल पोटलीज तैयार करते हैं, उनसे ट्रीटमेंट्स दिया जाता है, और साथ में कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जिनका हमें डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको देंगे। जैसे बैक पेन का पेशेंट है तो उसको कटी बस्ती देते हैं, ग्रीवा पेन का पेशेंट है, नेक पेन का पेशेंट है, गर्दन में जकड़ाहट है, हाथों में दर्द है, सुनपन है, तो उसको ग्रीवा बस्ती दी जाती है। तो ये अलग अलग पोजिशन के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स ही लगभग 50% केसेस तो ठीक कर देते हैं। उसके बाद जो 50% केसेस होते हैं, उसमें हम अग्निकर्म और बस्ती चिकित्सा, जिसको बहुत बड़ी चिकित्सा मानी जाती है, उससे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, एंड द सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई जो हम ट्रीटमेंट्स अपने पेशेंट्स को देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट का होता है, जो हमारे पास आता है, वो ये होता है कि कितने टाइम में पेशेंट ठीक हो जाएगा, या उसके बाद उसका ये रिलैक्स होने होगा। तो पहली चीज़ है कि उसको डाइटरी और लाइफस्टाइल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। सेकेंडली, इस चीज़ को ये मान के चलना है कि ये जितना वो एक्टिव रहेगा उतना वो ठीक रहेगा। यदि वो ये रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो ये पेन की कंडीशन और पेन की प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती है। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कर सकते। एक प्रोसीजर है जिसे हम बेसिकली लंबर पेन में, स्लिप डिस्क में, या फिर टांगों में जकड़ाहट रहती हो, सुनपन रहता हो, और शियाटिका में, ग्रदरसी में, इन सब डिजीजेस में इसको देते हैं। लंबर की रीजन की कोई भी प्रॉब्लम हो, बैक पेन, लो बैक पेन, किसी भी तरह का, इसको बोलते हैं कटी बस्ती। इसमें कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स, ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको इस एरिया में गर्म करके लगाया जाता है, और करीब 40 to 50 minutes का ये ट्रीटमेंट होता है, जो हर पेशेंट को उसकी कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे धानुतरम तेलम है, कुटम चुकादी तेलम है, प्रसारणी तेलम है, रुगुंडियादी तेलम है, ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और उसको ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर यही पेन पेशेंट को नेक में होता है तो ये ट्रीटमेंट हम नेक में देते हैं,
अगर हाथों में दर्द है, चक्कर आना, इस तरह की कंडीशन है तो उसको फिर ग्रीवा अस्थि बोला जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से इसको नीज में भी दिया जाता है और ऑयल और ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर यही रहता है और ऑयल्स वगैरह ये सब कंडीशन चेंज हो जाते हैं और इन सब प्रोसीजर्स के पंचकर्मा के वी हैव वंडरफुल रिजल्ट्स इन पेन मैनेजमेंट। तो कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी किसी को पेन की तो श्योरली आप किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास कंसल्ट करिए और ये ट्रीटमेंट कराएं। आपके पेन की कंडीशन जल्दी से रिमूव होगी, आप नॉर्मल लाइफ पे जल्दी से जल्दी आए। थैंक यू।